दोस्तों, एक्स प्लस में एक नया अपडेट है। यहाँ पर आप माइनिंग कर रहे हो तो आप 6 घंटे के बाद एक बार क्लेम कर सकते हो और फिर से माइनिंग को स्टार्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर सेक करना है तो माइनिंग एक्टिव करते वक्त सेक करोगे तो माइनिंग की स्पीड 2 गुना इंक्रीज होकर मिलेगी। साथ में रेफरल से भी अर्निंग होती है, तो जितने भी रेफरल्स है उनके बदले में माइनिंग की स्पीड मिलती है। साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है, तो उसको भी आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। और मज़ेदार बात है कि यहाँ पर आपको 3 लेवल की रेफरल की इनकम होती है। तो ये बढ़िया प्रोजेक्ट है, इन्होंने NFT भी लॉन्च कर दी है। मिंटिंग का इवेंट आया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है और अब इन्होंने वॉलेट भी लाइव कर दिया है और साथ में इसका विड्रॉल भी स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे विड्रॉ करना है इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, साथ में टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हम जो माइनिंग कर रहे हैं वो पॉइंट से, अब उन पॉइंट्स को हमको टोकन में कन्वर्ट करना है। तो वो VX+ की टोकन रहेगी, फिर उस टोकन से X टोकन में कन्वर्ट करना होगा और वो टोकन लीज होगा जिसको हमको ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ से विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वॉलेट को जनरेट करना है, उसके लिए एसेट वाले ऑप्शन में ही आना है और माई वॉलेट ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाना है। तो पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉलेट, तो नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। अगर पहले से वॉलेट क्रिएट किया है तो इम्पोर्ट भी कर सकते हो। तो नया वॉलेट जनरेट करने के लिए क्रिएट न्यू वॉलेट है, यहाँ पर आ जाना। कि यहाँ पर आपको 5 फ्रेश की मिलेगी, जैसे हमको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में 12 वर्ड्स मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। उसको कॉपी करके अच्छी जगह पर सेव कर लेना है, आपका पूरा वॉलेट उसी पर ही रहेगा। एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो आपका पूरा वॉलेट लूज हो सकता है और आपकी माइनिंग भी वेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं। मैनोमैटिक फ्रेश की है, उसको किसी अच्छी जगह पर राइट डाउन कर लेना है और सेव कर लेना है, स्टोर इन अ सेफ प्लेस। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके बैकअप मैनोमैटिक फ्रेज यहाँ पर क्लिक कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है क्योंकि हैकर्स के द्वारा इसको भी एक्सेस किया जा सकता है। क्रिएटिंग योर डिसेंट्रलाइज वॉलेट, नेवर स्टोर और शेयर स्क्रीनशॉट, दिस मे रिजल्ट एसेट लॉस ड्यू टू थर्ड पार्टी मालवेयर अटैक्स। तो आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है और स्क्रीनशॉट लेकर भी नहीं रखना है क्योंकि आपके फ़ोन में मालवेयर होगा तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है। दोस्तों, एक बार वॉलेट क्रिएट करोगे तो यही वॉलेट आपका परमानेंटली रहने वाला है और यह डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इस वजह से पास की पर ही पूरा वॉलेट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, की सेव करने के बाद आपको पासवर्ड डालने के लिए कहेंगे, 6 कैरेक्टर का अच्छा पासवर्ड डाल लेना, सिर्फ नंबर ही डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक सेव करने के लिए कहेंगे, चाहो तो यहाँ से ओके पर क्लिक करके बायोमेट्रिक सेट कर सकते हो या फिर कैंसिल भी कर सकते हो। अब फिर से आओगे वॉलेट वाले सेक्शन में तो आपको वॉलेट यहाँ से मिल जाएगा। अब टॉप पर राइट हैंड साइड इथेरियम का लोगो है, वहाँ पर क्लिक कर लेना तो आपको इथेरियम की जगह पर आर्बिट्रम का ब्लॉकचेन सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, अब आपको पॉइंट से उसको विड्रॉ करने के लिए आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पर थोड़ा सा इथेरियम भेजना होगा, तो बहुत ही कम अमाउंट में ट्रांजेक्शन फ़ी कट होती है और आपके पॉइंट होंगे वो टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इथेरियम की फ़ीस के लिए आपको रिसीव वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है तो यहाँ से वॉलेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वॉलेट को कॉपी कर लेना और जहाँ से आप इथेरियम सेंड करना चाहो वहाँ पर चले जाना और आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन का इथेरियम यहाँ पर सेंड कर देना। मिनिमम $3-4 का इथेरियम सेंड करोगे तब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बैक आने के बाद अब रिडीम वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको पासकोड देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैंने अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, इस वजह से मुझे कोई भी पासकोड नहीं मिला है, हैव नॉट ऑब्टेन एनी पासकोड। कुल मिला के 5 तरह के पासकोड है। अगर आप पहला ट्रांजेक्शन करोगे 1 डे रिडिप्शन तो ये येलो वाला पासकोड है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर 3 दिन तक लगातार यहाँ से विड्रॉ करोगी तो ग्रीन वाला पासकोड देखने को मिलेगा। उसके बाद 7 डेज तक लगातार विड्रॉ करोगी तो ब्लू वाला मिलेगा। फिर 14 दिन तक करोगी तो सिल्वर वाला है और 21 दिन तक करोगे तो ब्लैक वाला देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब यहाँ से रिडीम V+ है, वहाँ पर क्लिक कर लेना। एंटर द रिडीम अमाउंट ऑफ एक्स कॉइन, तो यहाँ पर रेशियो है 100 एक्स कॉइन का, आपको 1 VX+ कॉइन मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो। तो जैसे मैंने 1000 डाल लिया तो आपको 10 VX+ टोकन देखने को मिलेंगे। रिडीम पर क्लिक कर लेना। तो अभी मेरा रिडीम नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर डिपॉजिट नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप VX+ कॉइन है वहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अब आपके टोकन VX+ में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। तो विड्रॉल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट देखने को मिलेगा। VX+ रिप्रेजेंट $X+ विथ वेस्टिंग VX+ फॉर X+ एट 1:1 रेशियो। तो आपके जो भी टोकन होंगे VX+ में उसका 1:1 रेशियो में X+ टोकन में मिलेगा। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पर दे दी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाइव में कंप्लीट करके देख लेंगे किस तरीके से विड्रॉ करना है और कितना अमाउंट विड्रॉ करना है।
तो ये मैंने आपको वर्बली बता दिया, प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो तक अभी वेट कर सकते हो, बहुत ही जल्द मैं आपको लाइव में करके बता दूंगा। तो ये था पूरा अपडेट एक्स प्लस का कि किस तरीके से आपको यहाँ से विड्रॉ करना है और कितना अमाउंट आपको वी एक्स प्लस टोकन का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लास्ट वाली टोकन है एक्स प्लस टोकन, वो लीज होगी और उसको हम ट्रेड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक्स प्लस का विड्रॉल का अपडेट। तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलते हैं ऐसे ही एक और नई अपडेट के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।